अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब लगेगी और सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगी है उसके क्लोजिंग मेरिट्स क्या हैं। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी मंडे को 4 बजे, यानी के 3 अक्टूबर को लगेगी थर्ड मेरिट लिस्ट। और जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट्स देखना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम फैकल्टी ऑफ क्रॉप एंड फूड साइंसेस के मेरिट्स देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो लिस्ट लगी है ये बीएससी एग्रीकल्चर की है, इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका स्टार्टिंग मेरिट था 92.571, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हुई थी। और ये जो लिस्ट थी ये ओपन मेरिट पर थी, यानी कि इसमें कोई सीट्स वगैरह नहीं, बल्कि ओपन मेरिट पे जो सिंपल मेरिट था उसी पे ये मेरिट शुरू हुआ है यहाँ से, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका क्लोजिंग मेरिट देख लेते हैं। इसलिए इसका क्लोजिंग मेरिट जो था इवनिंग का वो 50 पॉइंट समथिंग था कुछ, और स्टार्टिंग तो आपको मैंने बता ही दिया है 90 था। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये मॉर्निंग की लिस्ट है आपके सामने। इसका मेरिट 96 पॉइंट समथिंग से शुरू हुआ है, और अब हम इसका क्लोजिंग मेरिट देख लेते हैं। ये वही है बीएस एग्रीकल्चर की लिस्ट है, मॉर्निंग में है। इसका क्लोजिंग मेरिट आपके सामने है। तो जो बीएस एग्रीकल्चर मॉर्निंग का क्लोजिंग मेरिट था वो था 49 पॉइंट समथिंग कुछ, और आपको मैंने स्टार्टिंग मेरिट तो बता ही दिया है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों लिस्ट के मेरिट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब जी नेक्स्ट मेरिट है मॉर्निंग का, BS4ST की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका स्टार्टिंग मेरिट था 86 पॉइंट समथिंग कुछ, ये मॉर्निंग की लिस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्व सीट्स पर भी है एक स्टूडेंट। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 57 पॉइंट समथिंग था। और अब हम चलते हैं इवनिंग की लिस्ट की तरफ। इसी की हम इवनिंग की लिस्ट देखेंगे और इवनिंग का मेरिट देखेंगे, इवनिंग का स्टार्टिंग मेरिट और क्लोजिंग मेरिट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं, और इसका स्टार्टिंग मेरिट भी क्लोजिंग 86 ही है, और 52 पे ही क्लोज हुआ है। अब हम चलते हैं डीवीएम की तरफ, डीवीएम का मेरिट देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों लिस्ट का मेरिट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉर्निंग का मेरिट। मॉर्निंग का मेरिट जो इसका था स्टार्टिंग सेकंड लिस्ट का, उसमें भी ये शुरू हुआ था 97 पॉइंट समथिंग से शुरू हुआ था इसका, और जो क्लोज हुआ था वो 90 पॉइंट समथिंग पे क्लोज हुआ है। और बाकी जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, कोटा वाइज सीट्स पे लिया हुआ है रावलपिंडी, चकवाल, बखर, राजनपुर, और उसके बाद रिजर्व सीट्स जो चिल्ड्रंस की हैं वेटनरी उनके, ये सारी सीट्स पे मिला हुआ इन पे वही मेरिट है। आप बस सीट्स आपकी हों तो आपको मेरिट मैटर नहीं करता। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। अब हम देखेंगे डीवीएम मेरिट का, जो इवनिंग का मेरिट स्टार्ट हुआ था इसका 93 पॉइंट समथिंग से शुरू हुआ है, और आप क्लोजिंग मेरिट इसका देख सकते हैं 90 पे क्लोज हो गया है ये इवनिंग के लिस्ट डीवीएम की। अभी ये सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसके बाद थर्ड लगेगी। उसके बाद आप इसी में देख सकते हैं, इसी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं 91 91 91। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद हम सीएस प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट देख लेते हैं मॉर्निंग की। इसका मेरिट आप देख सकते हैं BScS मॉर्निंग का 87 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ है, और इसका जो क्लोजिंग मेरिट है, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग मेरिट 87 पॉइंट समथिंग है। अभी ये स्टार्टिंग मेरिट है, इसका क्लोजिंग मेरिट हम देखते हैं। क्लोजिंग मेरिट इसका गया है 81 पॉइंट समथिंग पे जाके क्लोज हो गया है BScS प्रोग्राम में।
इसके बाद हम इवनिंग का मेरिट देख लेते हैं BScS प्रोग्राम का। तो जो इसका इवनिंग का मेरिट है BScS का, वो 75 समथिंग से स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग मेरिट इसका 69 पॉइंट समथिंग है। तो टोटल 91 स्टूडेंट्स इस लिस्ट में हैं और 69 पर इसका मेरिट क्लोज हो चुका है इवनिंग की लिस्ट में BScS की। उसके बाद हम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मॉर्निंग की लिस्ट देख सकते हैं। इसका स्टार्टिंग मेरिट हुआ था 82 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग की लिस्ट में और इसका क्लोजिंग मेरिट था, और इसका क्लोजिंग मेरिट जो था वो 80 पॉइंट समथिंग पर ही क्लोज कर दिया गया है। अब हम इवनिंग का देख लेते हैं मेरिट BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये शुरू हुआ है 73 पॉइंट समथिंग से शुरू हुआ है और इसका क्लोजिंग मेरिट है 69.4112, यानी के 69 पर ये भी क्लोज हो गया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेरिट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखते हैं मॉर्निंग का, जो कि सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग में इसमें नहीं इन्होंने ओपन किया, सिर्फ मॉर्निंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट है। इसका स्टार्टिंग था मेरिट 92 पॉइंट समथिंग था और उसके बाद इसका मेरिट आप देख सकते हैं, ये इस तरह इन्होंने डाला हुआ है कि टेस्ट वाइज आई थिंक डाला है, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, जैसे आपने दिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में टेस्ट वन वाला, वन या टू शायद उन स्टूडेंट्स को डाला है, उसके बाद थर्ड टेस्ट वालों को डाल दिया। और इसका आप क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं 70 पर जाके ये क्लोज हो चुका है मॉर्निंग में ही, इसकी इवनिंग की लिस्ट नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं HND का प्रोग्राम, यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का मॉर्निंग है। इसका स्टार्टिंग मेरिट था 94.456 से ये स्टार्ट हुआ है और अभी इसकी मॉर्निंग की लिस्ट है और क्लोज हुआ है 84.727 पर, और इसमें स्टूडेंट 35 हैं इस लिस्ट में। उसके बाद हम इवनिंग प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग मेरिट था 84.34 से और इसका क्लोजिंग मेरिट भी देख लेते हैं कहाँ पर क्लोज हुआ है, ये 56.634, यानी कि इसमें 46 स्टूडेंट्स इस लिस्ट में ऐड किए गए हैं। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, जिनका इसमें नेम नहीं आया वो थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।